अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और वो है कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। कंप्यूटर सिस्टम की साख्त क्या है? सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम को हम ऑर्गेनाइज करते हैं डिफरेंट वेज से। तीन प्रिंसिपल वेज हैं जिसके जरिए से हम कंप्यूटर कंपोनेंट्स को कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले है वैन न्यूमैन आर्किटेक्चर। वैन न्यूमैन आर्किटेक्चर क्या है कि हम इसमें प्रैक्टिकली फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर, ये 1940 में इसने पेश किया था। यानी सबसे पहले हम फेच करते हैं इंस्ट्रक्शंस को, फिर स्टोर करते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स में, फिर डिकोड करते हैं ऑपेरेंट्स मतलब जिनकी हमने वैल्यूज लेनी होती है, और फिर उसको स्टोर कर लेते हैं इंटरनल रजिस्टर्स में, और फिर उसके बाद हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। यानी ये बेसिकली चार चीजों से मिलकर बने हैं, वही एग्जीक्यूट, डिकोड, फैच और स्टोर। यानी इन चार प्रोसेसिस पे इसका ये काम करता है वैन न्यूमैन आर्किटेक्चर। उसके बाद है बस आर्किटेक्चर। क्या होता है? देयर आर मेनी एनिमल्स, जिस तरह कैट इज इंटरनल ऑर्गन्स अटैच टू अ बैकबोन, इसी तरह बस बेस्ड कंप्यूटर आर स्ट्रक्चर लाइक दैट प्रोसेसर्स एंड मेमोरी आर कनेक्टिंग टू अ बैकबोन। यानी इसमें प्रोसेसर और मेमोरी एक बैकबोन की हैसियत हासिल है, जिसको हम सुपर हाईवे कहते हैं, जो कि डाटा और इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेसर और मेमोरी में ट्रांसफर कर रही होती है। जिस तरह ये प्रोसेसर, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर्स और ये इन आउटपुट यूनिट्स हैं। बस अब तीसरा है सिंगल और मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर। सिंगल प्रोसेसर्स ये होते हैं कि ये देयर इज ओनली वन सीपीयू दैट परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज इन कंप्यूटर सिस्टम। मोस्ट सिंगल प्रोसेसर सिस्टम हैव अदर स्पेशल पर्पस प्रोसेसेस सच एज इन आउटपुट प्रोसेसर दैट मूव डाटा क्विकली अमॉन्ग डिफरेंट कंपोनेंट्स। इसमें लिमिटेड प्रोग्राम्स होते हैं एंड डू नॉट रन यूजर प्रोग्राम। यानी इसमें लिमिटेड सिस्टम प्रोग्राम चल रहे होते हैं और ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है। हम इसमें हैज ओनली वन जनरल पर्पस सीपीयू इज कंसिडर्ड एज अ सिंगल प्रोसेसिंग सिस्टम। इसी के बाद आ जाता है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। इसमें दो या दो से ज्यादा मल्टी प्रोसेसर काम कर सकते हैं। इसमें हम दो या दो से ज्यादा काम एक छोटे पीरियड में कर सकते हैं। यूनिक्स और लिनक्स इसकी एग्जाम्पल है। आजकल जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ रहे हैं उसमें मल्टी प्रोसेसिंग की कैपेबिलिटीज होती हैं। फर्स्ट यूज अपीयर्ड इन सर्वर्स एंड देन माइग्रेटेड टू डेस्कटॉप एंड लैपटॉप कंप्यूटर। मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर्स जो होते हैं वो मोबाइल डिवाइसेस पे भी आ गए हैं आजकल, जिस तरह स्मार्टफोन एंड टैबलेट के हम एक से ज्यादा उसमें काम कर सकते हैं थ्रू प्रोसेसर को यूज करते हुए। यानी इसमें दो या दो से ज्यादा प्रोसेसर वर्क टूगेदर टू प्रोसेस मोर देन वन प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। यानी दो या दो से ज्यादा प्रोसेसर मिलकर काम करते हैं। अब इसके सबसे पहले एडवांटेजेस के हैं कि ये इंक्रीज थ्रूपुट, यानी हमारा काम जो है वो कम टाइम में हो जाता है। रिड्यूस कास्ट, यानी हम इसमें शेयर कर लेते हैं पेरिकल डिवाइसेस, मास स्टोरेज और पावर सप्लाईज वगैरह। इंक्रीज रिलायबिलिटी हो जाता है कि हमारा केस ऑफ फेलियर प्रोसेस इज नॉट हॉल्ट एंड वर्क कंटिन्यूअली। बेशक एक अगर प्रोसेसर काम नहीं कर रहा तो हम दूसरा प्रोसेसर यूज कर लेते हैं, इस वजह से वो स्लो डाउन नहीं होता। तो ये इसके मेन एडवांटेजेस हैं। अब मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स दो तरह के होते हैं, एक होता है सिमेट्रिक और एक होता है एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक में क्या होता है कि ईच प्रोसेसर असाइंड अ स्पेसिफिक टास्क, यानी एक प्रोसेसर को हैंडल करता है यूजर रिक्वेस्ट को, दूसरा प्रोसेसर हैंडल करता है एप्लीकेशन प्रोग्राम को, और तीसरा थर्ड प्रोसेसर इमेज प्रोसेसिंग करता है उनकी। एक प्रोसेसर को हम मास्टर प्रोसेस कहते हैं, जिसको हम बॉस कह सकते हैं, और बाकी प्रोसेसर को हम स्लेव कहते हैं। यानी मास्टर जो प्रोसेस होता है वो स्लेव्स को मुख्तलिफ काम असाइन कर देता है और वो उसको कर रहा होता है। स्लेव परफॉर्म प्री डिफाइंड टास्क जो कि उनको मास्टर बॉक्स ने दिए होते हैं। मास्टर मीन बॉक्स और स्लेव मीन वर्कर्स जो कि हम काम कर रहे होते हैं। इसी तरह हमारे पास है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स क्या होती हैं कि इसमें मेथड ऑफ प्रोसेसिंग मल्टीपल प्रोसेस वर्क टूगेदर ऑन द सेम टास्क। यानी हम सेम टास्क पे इस पे काम करते हैं, ऑल टाइप ऑफ टास्क विद इन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें तमाम जो प्रोसेसर्स होते हैं वो इक्वली होते हैं, इसमें कोई मास्टर स्लेव बॉक्स वर्कर नहीं होता। ये पीयर टू पीयर मॉडल रिलेशनशिप होता है। इनके अपने रजिस्टर्स होते हैं, अपनी कैशी मेमोरीज होती हैं। ऑल प्रोसेसर शेयर सम फिजिकल मेमोरी। टोटल ऑल मॉडर्न ऑपरेटिंग इंक्लूड विंडोज एंड लिनक्स प्रोवाइड सपोर्ट फॉर सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेस इन सम सेम कंप्यूटर सिस्टम। सिमेट्रिक मल्टी कैन बी यूज थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम के तहत हम इसको यूज कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ई सीपीयू इज सेपरेट एंड इट इज पॉसिबल फॉर वन सीपीयू टू बी आइडियल व्हाइल एन अदर सीपीयू इज ओवरलोडेड। के एक सीपीयू कोई काम नहीं कर रहा और दूसरा सीपीयू है वो ओवरलोड काम कर रहा है। तो ये था, हमने पढ़ा कंप्यूटर का आर्किटेक्चर कैसे बना हुआ है। इसी तरह अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स क्या होते हैं।